हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.4, फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली बेटे ये दो अलग अलग मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। एक तो हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको चेंज कर सकते हैं। कॉसक थीटा को बेटे 1 अपॉन साइन आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा को बेटे आप कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप चेंज करेंगे तो हमें एक नया स्टेप मिलेगा कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ गया बेटे साइन थीटा, यहाँ आ गया बेटे 1 माइनस कॉस थीटा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप प्रूव कर रहे होते हो तो राइट साइड देखते रहिए, आपको चाहिए, आपको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो इसको बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, और नीचे बेटे साइन थीटा है तो उसको भी अलग कर दीजिए, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेटे, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, 1 प्लस कॉस चाहिए, बट साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनको आप बेटे याद रखिएगा, जो हमने फार्मूला डेवलप किए थे। तो हमारे पास क्या है बेटे, ये हमारे पास आ गया, तो चेंज करिए, दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आप इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आएगा बेटे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। आप इसे कह सकते हैं बेटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 पावर कैंसिल, तो क्या बचा बेटे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपको चाहिए था राइट हैंड साइड। लेकिन इसमें क्या है बेटे, कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा या सिंप्लीफिकेशन मांग लेगा, जैसे इसका राइट हैंड साइड है, तो आपके पास क्या है बेटे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर हमारे पास कभी भी कुछ भी नहीं होता है करने के लिए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं उसके अपोजिट साइन से, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बेटे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप खुद देखिए बेटे, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ आ जाएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन हो सकता है, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा है ना अपॉन साइन थीटा, ये बेटे स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आप क्या कर सकते हैं बेटे 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, जी 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटे 1 अपॉन साइन कॉसक होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है बेटे कॉट होता है। तो अगर इससे एक मेथड ये भी हो गया कि जब हमारे पास करने के लिए कुछ ना हो तो हम उसे रैशनलाइज कर सकते हैं, गुड।